एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेड जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के ज़रिए की गई। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज़ हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज़ हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। डिवाइस दैट वाज यूज्ड टू सेंड अ थ्रेट टू न्यूजीलैंड टीम एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया। द गाइज नेम इज ओम प्रकाश मिश्रा, ही इज़ फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। दौरे न्यूजीलैंड की मनसूखी में भारतीय हाथ मुलव्वस, सबूत मंजरियाम पर फेक आईडी के जरिए धमकियों भरे पैगामात भारत से भेजे गए, सब कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। मुकदमा दर्ज करके एफआईए इंटरपोल से राबता कर रही है। ये पाकिस्तान ही नहीं आलमी क्रिकेट के खिलाफ साजिश की गई। न्यूजीलैंड को चाहिए मिलने वाले थ्रेट पाकिस्तान से शेयर करे। बरतानिया ने दौरा मनसूख करने के लिए खिलाड़ियों की थकावट का थका हुआ बहाना बनाया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कीवी टीम के जाने से पाकिस्तान के तन्हा रह जाने का तासुर गलत। एक दिन आएगा जब सब पाकिस्तान आकर खेलेंगे। अफगानिस्तान में 66 कैंप खत्म होने पर भारत में सफे मातम बिछी हुई है। भारतीय चैनल्स को कोई मौका नहीं छोड़ रहे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट नहीं था। हो सकता है किसी पड़ोसी मुल्क ने नुकसान पहुंचाने के लिए नाटक किया हो। मेहमान क्रिकेटर्स को हेलीकॉप्टर समेत तमाम सहूलियात देने की पेशकश की, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने हर बात मानने से इनकार किया। वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क के पाकिस्तान हाउस में खिताब। कौमी क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म मैदान में आ गए। इमरान खान आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम के दौरों की मनसूखी पर ब्रीफिंग देंगे। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चेंज नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है हमें। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि ईवीएम मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। अब सोचिए, यानी इससे हमें क्या फायदा है ईवीएम मशीन से। कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाजा होती है, हर इलेक्शन छोड़े सेनेट की इलेक्शन, जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाजा हो जाती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुखालिफ, मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाजा, थोड़े से लोग शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते। ईवीएम पाकिस्तान के सारे इंतखाबी मसाइल हल कर देगी। अगले 2 साल मुश्किल हैं। इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। वज़ीर आज़म का परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने ईवीएम से मुतालिक मांगी गई चीजें फराहम नहीं की। खामियों से मुबर्रा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में हैं। नई हलका बंदियां होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में बड़े फैसले। आइंदा आम इंतखाबात में फिर आरटीएस के इस्तेमाल पर इत्तफाक। शेम ऑन सिंध हुकूमत, चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट बरहम। पूरा कराची गंद से भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। गैर कानूनी कब्जे, सड़कें खराब, शहर इस तरह चलाया जाता है, एक इंच काम नहीं हुआ, कोई नहीं देखने वाला। हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं, खरबों का बजट है और कहते हैं पैसे नहीं। सब जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली केस, एडवोकेट जनरल इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। बताएं जिन्होंने जमीनें लॉट की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया।
जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सिंध हुकूमत को बहाली के लिए एक साल की मोहलत, वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी। कराची में नेस्ला टावर को गिराने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कमिश्नर को एक माह में नेस्ला टावर खाली कराने का हुक्म, मुतल्लिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। कराची की तबाही में 25 साल हुक्मरानी करने वालों का भी हाथ, मनफी हथकंडों के बावजूद नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। पार्टी की मरहलावार तंजीम साजी कर रहे हैं राणा सनाउल्ला की लाहौर में मीडिया टॉक। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वावेला बिला जवाब, रेट समसाया ममालिक से अब भी बहुत कम हैं। गरीब आवाम को आटे, चीनी, घी और दालों पर सब्सिडी देने का प्लान बना लिया। कोरोना की वजह से दुनिया में मौशी बहरान आया, वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान गाफिल हैं, डेंगी इंतहाई मोहलिक है, गफलत का नतीजा लोगों की कीमती जिंदगियों के जिया की सूरत निकलेगा। अगर डेंगी बेकाबू हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिमाना इंतजामी ना अहली होगी, शहबाज शरीफ का ट्वीट। डेंगी सर उठाने लगा, इस्लामाबाद में केसेस में इजाफा तशवीशनाक, एक हफ्ते के दौरान दो अफराद जान बहक, अब तक मोहलिक वायरस का शिकार 94 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 47 अफराद की जान ले गई, अब तक 27,374 अमवात, 24 घंटे में 2,333 नए मरीज, 12,30,238 शहरी मुतासर, मुस्बत केसेस की शरह 4.56% रिकॉर्ड। बाजार रात 8 के बजाय 10 बजे तक ओपन, मार्केटें दो दिन बंद रखने की शर्त खत्म, इंडोर में 200, आउटडोर में 400 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात, बन्नू में आज से इजाफी पाबंदियां खत्म। पाक फजाइया का छोटा तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह, तैयारा मामूल की तरबियती परवास पर था, तर्जुमान वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी से मिस्र, पुर्तगाल और नॉर्वे के वज़ीर खारजा की मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को पुरकशिश मराद दे रहे हैं वजीर खारजा। तालिबान ने अक्वामे मुत्तहदा में अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदगी मांग ली, तर्जुमान सुहेल शाहीन बतौर सफीर नामजद, उबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का सेक्रेटरी जनरल को खत, जनरल असेंबली इजलास में खिताब का भी मुतालबा। तालिबान हुकूमत की नशस्त के लिए दरख्वास्त नौरुकनी कमेटी को भेज दी, फैसले तक साबिका हुकूमत के इसहाक ज़ई अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, तर्जुमान अक्वामे मुत्तहदा का मौक़िफ़। तुर्क सदर ने मसला कश्मीर अक्वामे मुत्तहदा में फिर उठा दिया, कश्मीर में 75 बरस से जारी जुल्म खत्म करने की जरूरत है, पुराने तनाज़े के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है, तैयब उर्दबान का जनरल असेंबली में खिताब। अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल, सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए 2,84,98,000 भी अदा कर दिए, लेजेंड कॉमेडियन की रवानगी जल्द मुतवक्के। लाहौर के इलाके बरकी में 14 साल लड़के का कातिल उसका अपना दोस्त निकला, मुलजिम गिरफ्तार, दोस्त की मंगेतर से प्यार करता था और रकाबत की वजह से तलहा को तशद्दुद के बाद मार डाला, 15 साल मुलजिम रजा का इतराफी बयान।
पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शराह बेहतर हुई। अगले साल तरक्की की शराह 3.9 से बढ़कर 4% होगी। पाकिस्तान में कारोबार के लिए माहौल साजगार हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 385 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 27,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,45,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 47,24,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 1,927 अमवात। मैक्सिको 815, रूस 812, ब्राजील 444 और ईरान में 379 अफराद जान से गए। ऑस्ट्रेलिया में 5.9 शिद्दत का सिलसिला। मेलबर्न में कई इमारतों को नुकसान। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वजीर आज़म फुटबॉल वेमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में गोल 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 की गूंज। इंग्लैंड ने लक्समबर्ग को 10-0 से शिकस्त दे दी। व्हाइट ब्राइट और ग्रीनवुड के दो दो शानदार गोल।